अमूमन सियासत में दिए गए बयानों की वैलिडिटी बहुत कम होती है, लेकिन जो बयान सोच समझ कर दिए जाते हैं उनकी गूंज, उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आती है। जी हां, आज बात करेंगे प्राइम डिबेट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कल के दिए बयान की। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, विस्तार से सारी चीजें आपको बताएंगे। दरअसल सीएम गहलोत ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की और इसी पर आज प्राइम डिबेट धौलपुर में मुख्यमंत्री के भाषण के बाद प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। बयान के अलग अलग तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं, सच्चाई किसी के कुछ समझ नहीं आ रही है। कोई कह रहा है ये पायलट के पश्चिम से बोले गए हमले का पूरब से गहलोत का जवाब है, सीएम ने किसी विधायक का नाम लिए बिना पैसे वापस लौटाने को बोला, जिसके कई सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं। वहीं गहलोत ने दावा किया कि वसुंधरा राजे, बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने संकट के दौरान सरकार को बचाने में उनकी मदद की थी। इसके बाद तो बीजेपी ने बयानों की बारिश कर दी। खुद वसुंधरा राजे ने कह दिया कि तारीफ एक षड्यंत्र है। वहीं बीजेपी ने नेताओं ने कहा अगर सबूत हैं तो सीएम गहलोत कार्रवाई करें और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। सीएम का बयान मचा सियासी घमासान। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ 15 करोड़ उसको, उसका पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बना रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा डराएगा। मानेसर वाले बयान से सियासी तूफान। तो ये बात तो तय है कि पैसा आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के एविडेंसेस उनके पास में है। कांग्रेस ने कहा सीएम ने सरकार गिराने के षड्यंत्र को झेला। दौर ऐसा आया था जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की कवायद शुरू हुई, अब जो उसके आधार पर कहते हैं उन्होंने उस दंश को झेला भी है, सरकार को बचा कर लाए। मंत्री मुरारीलाल मीणा नहीं ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब जिस टाइम माने सकते उसी टाइम दे दिया था, साथ साथ में बिक सकते नयम अमित शाह से डर सकते। वसुंधरा राजे का बयान मेरी तारीफ एक बड़ा षड्यंत्र। बीजेपी के चुनाव प्रमाण है तो मामला दर्ज कराना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री जी के पास प्रमाण है तो उन प्रमाणों के आधार पर कार्रवाई करते हो जिन्होंने पैसे लेने का काम किया। मानेसर वाला बयान नफा किसे नुकसान। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं, क्यों नहीं FIR दर्ज कराते, क्यों नहीं उन आरोप लगा रहे हैं मंत्री। एक तीर से दो निशाने। तो बात राजस्थान की हो रही है, लेकिन इसमें भी हमें कर्नाटक का वोट होगा, मतदान होगा, चुनाव होगा। और कहा यह गया था कांग्रेस राजस्थान की इकाई में कोई भी किसी भी तरह के पायलट और गहलोत के विवाद को लेकर साफ तौर पर यह भी बात सामने आई थी कि रंधावा जो कि प्रभारी हैं वो भी किसी तरह का बयान। अब इस तरह से उसके क्या मायने हैं। बाड़मेर में इससे पहले की गई क्या संदेश देती है, कहा तक चुनाव तक पूरा मतलब निकालने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ चल रहा है। की चार मेहमान चुके, बहुत बहुत स्वागत, मुख्य प्रवक्ता भी हैं प्रदेश बीजेपी के और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ के हैं विधायक कांग्रेस से बेबाक हर मंच पर रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे साथ। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष रावत विश प्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष रावत जी पहला सवाल मैं आपसे करना, अशोक गहलोत आया तो कह रहे हैं कि लेकिन एक तीर से दो निशाने का मतलब यह कि भाई अगर आपने पूरब में अपना शक्ति प्रदर्शन हमने भी यहां पर सवाल उठा दिया और यह बता दिया कि किस तरह से ऐसे सवाल उठा दिया। दूसरी तरफ
दफ्तर यहां पर आ रहे हैं तो उससे पहले हमने सवाल उठा दिया कि भाई आपने पैसे दिए और ये भी परेशान हो गए, लेकिन ये भी बता दिया कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने हमें मदद की। अगर कोई सवाल करेगा मुख्यमंत्री से, अशोक गहलोत जी से कि भाई आपने क्या बोला, क्या तो होते कहे घर वापसी की बात, पुरानी बातों को छोड़िए और वापस आ जाइए, पैसा दे दीजिए, हम उसमें मदद करेंगे। तो बड़े ही सधे हुए अंदाज में मुझे होंगे, अब आपसे इसी विस्तार से चाहूंगा जवाब। देखिए रवि, हम सब जानते हैं कि राजनीतिक सूझबूझ वाले नेता हैं और तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें राजनीतिक प्रतिभा और क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। और उनका यह बयान उनकी राजनीतिक प्रतिभा और क्षमता को देख एक तीर से दो निशाने की है। आप जो कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि उन्होंने एक तीर से दो नहीं बल्कि बहुत सारे तरफ, जहां कोशिश की तो वहीं दूसरी ओर पायलट खेमे को भी बताने को कि हमको पता है आपने पैसे उनको यहां तक उनकी वो अपने आप को शो करना चाहते हैं, मैं इस कैसे भी निबटना चाहता किया कि वसुंधरा राजे जी ने ऐसे समय में मेरा लगभग सहयोग किया, सब उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने वसुंधरा राजे जी की के माध्यम से एक तरीके से राजनीति में जब आप अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे होते हो तो यह उस पर भी हमला होता है, क्योंकि आपकी पार्टी की पड़ा इस बयान के साथ में। लेकिन मैं इसमें एक पक्ष और जोड़ करके आपको बताना चाहूंगा, मुझे लगता है कि यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए यह कल की घटना बयान दिया, वो जो बिल्डिंग एक्सरसाइज का भी एक नतीजा हो सकती है। हो सकता है कि उनके रणनीतिकार जो उनके सलाहकार हैं वो शायद अब एक इमोशनल ग्राउंड पर भी उनको फ्रंट फुट पर खेलने के लिए कह रहे हैं। वो एक तरफ जहां महंगाई राहत शिविर के पर मुख्यमंत्री हर अपनी सभाएं कर मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं, मैं जनता के लिए समर्पित हूं, लेकिन कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। शायद उन्होंने 1996 में जो भैरव सिंह शेखावत के ये आप जो आशुतोष ने समझाया, इससे इतर क्या आप इस पर अपनी राय रखते हैं? और इसमें एक चीज जरूर जोड़िएगा, बाड़मेर की सभा के बाद और 10 तारीख के प्रधानमंत्री के दौरे के बीच में जो ये इसको किस रूप में एनालाइज नहीं कहलाता, ऐसे ही को अशोक गहलोत ही प्रमाणित करता है। जिस तरीके से उन्होंने आज वसुंधरा जी को लपेटा है, और जो कहा कि जो अभी वहां नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है, और उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी खेमे में एक हलचल, अंदरूनी रूप से एक हलचल उत्पन्न करने की कोशिश करी है, जिसको कहते हैं शांत पानी, पानी के अंदर कंकर मार करके और लाने की कोशिश करिए, ये का ही एक नतीजा में डुबो करके तीर चलाया वसुंधरा जी के ऊपर। कहीं ना कहीं वसुंधरा जी जो अभी तक एक तरह का अपने समझ लीजिए पार्टी के अंदर अपनी एग्जिस्टिंग के लिए या अपने नेतृत्व के लिए अभी संघर्षरत थी, कहीं ना कहीं वसुंधरा जी ने दूध नींबू की बात की थी तो उन्होंने फिर चाशनी यहाँ पे इस्तेमाल कर ली, क्या हुआ? तो वही मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से एक तरह का मन जो बुझा हुआ तीर जो इन्होंने चलाया है, बहुत मीठा लेकिन घातक है।
तो उसी तरीके से अशोक गहलोत जी ने ये चीज बिल्कुल एकदम निरंजन जी ये कहकर कि संकट के समय आपने हमारी मदद की तो कम से कम वो वसुंधरा जी की मदद करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रुक करता हूं मैं रामनारायण मीणा जी का, हम दोनों को जरा एक साथ लाइएगा। रामनारायण जी मैं बिल्कुल खुलकर बेबाकी से सवाल करूंगा क्योंकि आप साफ तौर पर जवाब देते हैं। जो ये बताएं कि आपके इस विधायक काल में क्या कभी आपको कुछ ऑफर हुआ, समझेगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने लिया या नहीं लिया, मैं कह रहा हूं ऑफर हुआ क्या? देखिए रविंद्र जी ये तो साफ है कि मेरा करेक्टर क्या है राजस्थान जानता है, हाईकमान भी जानता है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज भी मैं खेत पे गांव में हूं। नहीं नहीं ठीक है, मैं आऊंगा सर, मैं आपको पूरा और टाइम दूंगा, अपनी विस्तार से रखिएगा। क्या आपकी जानकारी में रामनारायण जी किसी और विधायक को पैसा ऑफर हुआ, आपके संज्ञान में वो आता है? रविंद्र जी बात सही है, कोई भी व्यक्ति दूसरी पार्टी से जाके कभी नहीं मिलेगा और ऐसे संकट के समय कभी नहीं मिलेगा, और मुख्यमंत्री जो स्टेट चला रहे हैं जिनके पास सब कुछ ज्ञान होता है लाइए हम दोनों को एक मिनट में लाइए आपने पैसे। लेकिन मैं आपसे साफ करना चाहता हूँ ये जो मंत्री हैं पांच ही नहीं है, तीन कैबिनेट में बैठे हैं। प्रश्न ये उठ रहा है हमारी पार्टी के भीतर कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने क्या मजबूरी है कि इन व्यक्तियों को झेल रहे मंत्रिमंडल में ले रखा है। मैं आ रहा हूँ सर उस सवाल, मैं आ रहा हूँ लेकिन मुझे ये बताएं आप, मुझे देखिए ना तो आपने खुलकर अपनी बात बताई कि भाई आपको ऑफर हुआ नहीं हुआ, ना आपने ये कहा कि संज्ञान में था कि नहीं था आपके कि किसी विधायक को ऑफर हुआ। मुझे एक और सवाल फिर उसके बाद सर प्लीज 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 रामनारायण जी ये बड़ा मसला उठा है। देखिए मेरे को मेरा जो करेक्टर है उसके मुताबिक किसी की औकात भी नहीं है कि मुझे क्या के मामलों में कोई ऑफर कर सकते। तो अब आप मेरे को ये बताएं, मुझे ये बताएं कि जो 1-to-1 पिछले दिनों हुआ था कांग्रेस का प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने एक एक विधायक से बात की थी, उस 1-to-1 के दौरान या इससे पहले कभी प्रभारी ने प्रधान ये मुख्यमंत्री ने या पार्टी के अध्यक्ष ने प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष ने आपसे ये पूछा कि भाई क्या आपको ऑफर कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, आपसे बात की कि नहीं की, या आप किसी और विधायक से बात की कि भाई आपको कुछ ऑफर हुआ था, कितना हुआ था, किसने किया था? देखिए तीनों का करेक्टर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ये मान के चलिए, और मैं मजबूती से कह सकता हूँ 1965 में मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट था, आज दिन तक मेरे पास संसाधन नहीं होते, मुझे घर वाले राजनीति में कर रहे हैं, आज भी जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ मेरे परिवार की गाड़ी तो है। आपने कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया, अब मेरे को बताएं, अब मेरे को बताएं रामनारायण जी, अब मेरे को बताएं आपके फिर मुख्यमंत्री ने ये जो बयान दिया कल धौलपुर में क्यों दिया, क्या लगता है भरोसा नहीं है अपने टीम पर, अपने विधायकों पर, और अगर भरोसा नहीं है और आपने खुद क्यों कुछ इस पर कार्रवाई नहीं की, 3-3 FIR दर्ज हुई थी, उसका स्टेटस क्या है? ये बीजेपी वाले इनसे क्वेश्चन करे, बीजेपी वाले राजस्थान में कमजोर है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को मुकदमा चलाना चाहिए, आज बीजेपी इतनी कमजोर क्यों है कि मुख्यमंत्री की बयान को लेके ऑडियो को लेके उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया ACB में, उनको दर्ज कराना चाहिए। इसका मतलब बीजेपी खुद कमजोर है और बीजेपी ने पैसा दिया है और पैसा दिया है गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने इस तरह का हथकंडा जो अपनाया है पूरी स्टेट में नहीं ये पूरे हिंदुस्तान में जो अपना रहे हैं, ये पैसे के बलबूते पे देश को कमजोर कर रहे हैं, पैसे के बलबूते पे लोगों को खरीद रहे हैं, और यहाँ तक कि ईडीकार किसी का छापा देकर के खरीद रहे हैं। इसलिए मेरा जैसा आदमी का करेक्टर तो आपके नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा सकता है, उन्होंने देश को बेचा, इंस्टीट्यूशंस को बेचा, मेरे लिए मुख्यमंत्री जी ने ये बात क्यों कही आप ये बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे पहले 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे थे, आपने उसका जवाब खुलकर नहीं दिया, इसका तो जवाब दीजिए ना, मुख्यमंत्री ने ऐसी बात क्यों कही कि भाई जो पैसे आपने ले लिए हैं 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ जो भी है वो वापस कर, जो खर्चा हो गया है उसको मैं दे दूंगा, या कोई बात नहीं मैं AIC से बात कर लूंगा, ये बयान क्यों दिया जब आप ये अभी खुलकर नहीं कह रहे कि भाई पैसे मिले या नहीं मिले, ना आपको संज्ञान में ना आपसे पूछा गया, तो ये बताइए कि भाई ये बयान दिया क्यों? नहीं नहीं
आप दोबारा सुनिए, मेरे को पैसा ऑफर करने किसी औकात नहीं, राजनीति मेरा करेक्टर, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो बयान दिया है वो सोच समझ के दिया है। राजनीतिक स्वच्छता के लिए, राजनीतिक शुद्धता के लिए भ्रष्टाचारियों को एक सलाह दी है, आपको आइंदा तो भ्रष्टाचार मत करे, अभी भी हम आपको झेल रहे हैं, उनका पैसा लौटाइए, और आप नहीं लौटा सकते, हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फंड से आपको व्यवस्था करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सीधा स्पष्ट बयान है, ये एक तीर से दो निशाना नहीं है, वो राजनीति में शुचिता और शुद्धता में विश्वास करते हैं, और आगे आने वाले समय में राजस्थान में चूंकि आप बीजेपी को कह रहे हैं, मैं तो सवाल करूंगा ही, मैंने पहले से सवाल फ्रेम किया हुआ है कि बीजेपी से करना है कि भाई आप क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन भाई आपको अगर पता है, आपको अगर पता है पैसे लिए गए हैं, पैसे अभी आपके बटुए में रखे हुए हैं, आपके तिजोरी में रखे हुए हैं, कुछ खर्च भी हो गए, तो फिर आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार में आप है ना? नहीं देखिए, मुकदमा दर्ज होगा तब सरकार कार्रवाई करेगी, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और देश का अरे सर, एक मिनट, आप ही के एक मंत्री ने एफआईआर करवाई थी, 3 FIR हैं मानेसर प्रकरण पे, क्या नहीं वो करवाई है ना, लेकिन आज मुख्यमंत्री का बयान सर्वोपरि बयान है, स्टेट का मुखिया का बयान है, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, क्यों नहीं करवाई इन्होंने बताइए भाई? रामलाल शर्मा जी को लाइए भाई। अब रामलाल शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि जो पैसे लिए हैं तो उसको वापस कर दो, आप बार बार कह रहे हैं, आपके नेताओं के कई सारे आज बयान आए कि आप तस्दीक कर रहे हैं इस बात की, आप सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, तो आप ये बताएं ना रामलाल जी भाई, आप ये बताएं कि आपके ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर सवाल ये खड़े कर दिए, उन्होंने अपने ऊपर तो अपने विधायकों पे तो सवाल खड़े किए कि भाई आपने लिए, लेकिन आपके ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि आपने दिए, और अगर दिए हैं तो भाई आप इस पर एक तो अदालत के रुख कर सकते हो, मानहानि की भी बात आप यहां पर कर सकते हो या किसी और तरह की कर सकते हो, और दूसरी तरफ ACB में आप मामला दर्ज कर सकते हो, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? देखिए रविंदर जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही अपराध है, और मुख्यमंत्री जी के पास अगर पूरे सबूत हैं तो उन विधायकों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? सरकार बनाने के लिए रिश्वत देना भी अपराध है, सरकार बनाने के लिए, गिराने के लिए? मेरी बात सुनिए रविंदर जी। जी जी। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी के पास प्रमाण है तो ऐसे विधायकों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर रहे, क्या मजबूरी है? और तीसरी बात ये कि जिन विधायकों के ऊपर संगीन आरोप इस बात के लगे थे कि उन्होंने मानेसर में पैसे लेकर सरकार गिराने की कोशिश की, तो फिर आपके मंत्रिमंडल के मुकुट के मोती क्यों बने हुए हैं? आप उनको मंत्रिमंडल के मुकुट के मोती से बाहर निकालने का काम क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ जनता को गुमराह करके और इस तरीके की सनसनी पैदा करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दूसरी बात, SOG के अंदर 3 FIR दर्ज हुई थी तो SOG ने क्या कार्रवाई नहीं की, निष्पक्षता के साथ जांच नहीं की? क्यों आपने SOG को डायरेक्शन दिए कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को आप बंद कर दें? जब ये भंवरलाल शर्मा को पकड़ने के लिए SOG के अफसर मानेसर तक जाते हैं और जब वही भंवरलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी के साथ CMRO में चाय पीते हैं तो SOG दो कदम चलने का काम नहीं करती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जनता में गुमराह करने का काम करते हो। यही बात मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वसुंधरा जी ने मेरी सरकार बचाई, तो आप तो वसुंधरा जी के खिलाफ माथुर आयोग बना चुके ना, आप तो वसुंधरा जी के खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, आप तो राष्ट्रपति तक। रामलाल जी देखिए, आप बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं, मेरे और आपके कहने से तो मुख्यमंत्री काम करेंगे नहीं, और जो हम समझते हैं सोचते हैं वो करेंगे नहीं। मुझे जो सवाल पूछना है मैं वो करूंगा, बीजेपी को जो करना है वो करेंगे, आपको जवाब देना है वो देंगे, तो मैं तो पूछ रहा हूं ना आपसे, ACV से लेके अदालत का रुख आप करेंगे क्या, जो कुछ कल खुलकर बोला गया है? देखिए निश्चित रूप से पार्टी के शीर्ष नेता तो जो तय करेंगे किस रास्ते के ऊपर हमें चलना है, कौन से रास्ते को अपनाना है, वो सारे के सारे काम हम करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद के ऊपर है और संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये निंदनीय है। रामनारायण जी को भी लाइए, रामलाल जी को दोनों को एक साथ लाने की प्लीज कोशिश कीजिएगा। रामनारायण जी यहाँ मुकुट के मोती बने हुए हैं, कई सारे मंत्री उनको हटाते क्यों नहीं, और मैंने आपको जवाब देते देते बीच में रोक दिया था क्योंकि उस तरफ वक्त दूसरा सवाल था। आपका कहना कि खुलकर स्वीकार किया कि भाई हैं ऐसे हैं मंत्री, बताइए मुकुट के मोती बने हुए हैं। देखिए पांच तो एक जाने वाले हैं ही, 3 वो है जिन्होंने पैसा लिया फिर भी मंत्रिमंडल में, तो ये मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, पता है। रामलाल जी उस मजबूरी को ठीक करते हैं, क्योंकि हमने आरोप लगाया रामलाल जी की पार्टी के ऊपर, इनके व्यक्तियों के ऊपर, ये कमजोर क्यों पड़ रहे हैं मुकदमा दर्ज करने में, और ये कहते हैं हम पार्टी में डिसाइड करेंगे।
आप छोटे छोटे मामले में मुकदमे दर्ज कर देते हो और लोगों को सजा दे देते हो, मैक्सिमम सजा देते हो, हिंदुस्तान में साफ हो चुका है। क्या मजबूरी, क्या मजबूरी है? हम तो हमारा काम करेंगे पूरी तत्परता के साथ करेंगे, हम तो कब करोगे? आरोप लगाने वाले आरोप तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के नजदीक है, मुख्यमंत्री जी के सारे चीज काम करते हैं, तो कम से कम उनको पार्टी करवाइए। आप रंगावाजी से मिलके रामलाल जी प्लीज ये बताइए, ईडी और सीबीआई आईटी के विजिट राजस्थान में नहीं हो रही है? मेरी बात सुनिए रविंदर जी, ईडी की तो विजिट कहाँ हो रही है? ईडी सीबीआई आईटी की जब भी कोई कार्रवाई होगी वो तथ्यों के आधार के ऊपर होगी, प्रमाणिकता के आधार के ऊपर होगी, और जो गलत करेगा उसके ऊपर होगी। ईमानदार व्यक्ति के ऊपर, ईमानदारी से टैक्स पे करने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप कम से कम प्रदेश के मुखिया है, आपके पास गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी है, आपके पास सारी तथ्य आपके सामने है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप खुद हैं, तो कार्रवाई तो कीजिए ना उन विधायकों के खिलाफ। लेकिन रामलाल जी आपने जवाब नहीं दिया कि कल के बयान के बाद आपकी पार्टी का क्या होगा। खैर आपने कहा कि भाई हमारी आलाकमान तय करेगी, आप मुख्य प्रवक्ता भी प्रदेश के हैं, जाहिर तौर पर जब सामने बात आएगी तो आप उसको रखेंगे। आशुतोष रावत जी ये बताएं कि भाई जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि 10 तारीख को मतदान कर्नाटक में होना है, उससे पहले कहा गया था कि सभी पक्षों से, सभी खेमों से, हर किसी से कि भाई शांत रहिएगा, कुछ बोलिएगा मत, तो क्या मतलब ये 10 तारीख का इंतजार नहीं हुआ क्या? और अब आगे कैसे देख रहे हैं, 10 तारीख के बाद क्या होने वाला है? आशुतोष जी यही सवाल आपसे भी होगा, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे भी लूंगा, पुतार साहब पहले आशुतोष जी से जवाब। रविंदर जी 10 तारीख के बाद का सब इंतजार कर रहे हैं, कर्नाटका के चुनाव का परिणाम क्या आएगा, एक तरफ पूरा देश इस पर नजर गड़ाए बैठा है क्योंकि वह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के चुनाव के परिणामों को प्रभावित करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा गया था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो विवाद है उसके बारे में हम कुछ 10 तारीख के बाद निर्णय करेंगे, इसलिए 10 तारीख का इंतजार कांग्रेस को भी उतना ही है जितना भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता को है। लेकिन 10 तारीख तक का इंतजार भी अशोक गहलोत जी ने क्यों नहीं किया और क्यों कल इतनी जल्दीबाजी में यह बयान दिया? तो यह जल्दबाजी में दिया गया बयान नहीं है, यह बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक बार आला कमान पर फिर से प्रेशर बनाने के लिए दिया गया। क्या होगा 10 तारीख के बाद, या 10 तारीख के बाद ही हो जाएगा या 13 तारीख के बाद होगा जब नतीजे आएंगे? राजस्थान सरकार के लिए कुछ कर सके, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के लिए कुछ कर सके, क्योंकि आज की तारीख के अंदर आला कमान चाहे कोई भी दिशा निर्देश जारी करे लेकिन राजस्थान कांग्रेस जो है वो आउट ऑफ लाइट मोड के ऊपर है। इस चीज को आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे राजस्थान कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से राजनीति हो रही है सारी अपने अपने हिसाब से हो रही है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने विधायकों के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगाया, कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा इसके अंदर एक मखौल जरूर बनता है, क्योंकि फिर लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी केवल भाषण के अंदर आरोप लगाने के लिए ही है, क्या मुख्यमंत्री जी क्या उनके ऊपर? मीणा जी जल्दी से बता दीजिए, रामनारायण मीणा जी आप जल्दी से बता दीजिए कि अब बीच जो ओपिनियन पोल बता रहे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है तो 13 मई के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी भले ही ये बयान दे दिया हो या फिर ऐसे ही रहेगा? राजस्थान में माहौल ठीक हो जाएगा, हम चुनाव के मूड में आ जाएंगे और दोनों व्यक्तियों का जो झगड़ा है वो ठीक हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी। और रामलाल जी 10 तारीख से फिर तैयारी शुरू बीजेपी की? देखिए रविंद्र जी मुख्यमंत्री, अच्छा एक चीज और बता दूं रामलाल जी, पता होगा आपको कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं माउंट आबू। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जब राहत कैंपों के शिविर के बारे में मुख्यमंत्री जी ने प्रेस आयोजित की थी, उस प्रेस के दौरान भी सचिन पायलट के धरने को लेकर कई पत्रकारों ने सवाल पूछे, हर सवाल का जवाब ही था राहत कैंप, हर सवाल नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो क्या करेंगे क्या जवाब देंगे वो मैं और आप तय नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, आपको जो करना है आप वो तय करेंगे। और जैसा आपने कहा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा तो करिएगा तय, लगाइएगा वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तीर से दो निशाने नहीं, कई निशाने इन बयानों के जरिए साधे गए हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही।